गार्गी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उपवास के लिए केले के पकोड़ों की रेसिपी, तो चलिए शुरुआत करते हैं केले के पकोड़े बनाने की। मैंने एक कप सिंगाड़ी का आटा लिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थिक बैटर बनाना है। जिस तरह का हम बेसन के पकोड़े के लिए रखते हैं उतना ही थिक हमें रखना है ये बैटर। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए थिक बैटर बनके हमारा रेडी हो गया है। अब एक तरफ मैं गैस पे घी गरम करने रख दूँगी ताकि घी हमारा अच्छे से गरम हो जाए। अब अपने बैटर में मैं डालूँगी सेंधा नमक, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया जिसको मैंने चॉप करके रखा था। ये सब डालकर हम मिक्स कर लेंगे बैटर को। और देखिए मैंने केले के स्लाइस करके रख लिए हैं, इसी तरह से हमें केले के स्लाइस कर लेने हैं। और उनको मैंने पानी में रख दिया था जिससे कि ये काले ना पड़े। अभी केले हम अपने बैटर में मिक्स करेंगे और जो हमने सिंगाड़ी का बैटर बनाया है उससे केलों को अच्छी तरह से कोट कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे इसकी हम। मिक्स हो चुके हैं ये, चलिए तो अब हम अपना आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने इसमें काली मिर्च भी डाली है। घी गर्म हो चुका है, सारे पकोड़ों को हम वन बाय वन घी में डालेंगे और स्लो फ्लेम पर ही हम इसको कुक करेंगे। तो कच्चे केले के पकोड़े तो मैंने रख दिए हैं बनने, अब मैं आपको दूसरी तरह के पकोड़े दिखाऊंगी बना के। वो केले हमने बॉईल कर दिए हैं उसके लिए, तो बॉईल केलों को मैं उसी बैटर में जिसमें हमने कच्चे केले का मिक्स किया था उसी में हम बॉईल केले भी मिक्स करेंगे। तो तीन केले मैं इसमें डाल रही हूँ। केलों को अच्छी तरह से हम मैश कर देंगे और साथ में ही दो बॉयल पटेटो भी डालेंगे, उनको भी केले के साथ मिक्स कर देंगे। अपने पकौड़ों को भी हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे और उन्हें टर्न करते रहेंगे जिससे कि वो इवनली सब तरफ से सिक जाएं। ये देखिए थोड़े थोड़े सिक चुके हैं। अब मेरा जो केले वाला बैटर मैंने बनाया उसमें थोड़ा सा सिंगाड़ी का आटा और मिलाऊंगी। हम जितना आटा गूंथते हैं रोटियां बनाने के लिए उससे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है हमें ये। तो अगर आपको लगता है कि थिक है ज़्यादा तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं। इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च, धनिया फिर से ऐड करा है क्योंकि इसमें सब सामान हमने मिलाया है दोबारा, तो कंसिस्टेंसी बढ़ गई है। ये सब चीज़ें हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। जो केले का मिक्सचर बनाया है उसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस मिक्सचर में आप थोड़ा नमक भी ऐड कर सकते हैं और काली मिर्च पाउडर चाहें तो वो भी। तो देखिए छोटे बॉल्स आप जितना छोटा बनाना चाहें उतने साइज़ का आप बना सकते हैं। रोल बॉल्स करके हम बना के रख लेंगे। बहुत ही आसानी से हम दो तरीके के पकोड़े बना लेंगे। देखिए मेरे एक पकोड़े तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, क्रिस्प क्रिस्प, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है।
इन्हें मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एब्जॉर्बेंट पेपर पे। ये बहुत अच्छे दिखने में लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। उसी तेल में मैं जो हमने बॉल्स बनाए थे वो भी ट्रांसफ़र कर दूँगी। उसी घी में मैंने जो केले के और आलू के बॉल्स बनाए हैं वो भी सेकने के लिए रख दूँगी। मैं यहाँ देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। पकौड़ों को हम बीच बीच में थोड़ा टर्न करते रहेंगे जिससे कि इवनली सिक जाए अच्छी तरह से, वरना कहीं से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम बीच में टर्न करेंगे। देखिए थोड़ी देर में मेरे पकोड़े अच्छे से सिक के रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छा कलर आया है इन पे। इन्हें भी मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एब्जॉर्बेंट पेपर पे। व्रत के समय में हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत करने के मूड में नहीं रहते, तो ये इतनी इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी आप दो तरीके के पकोड़े बना के रख सकते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। यहाँ मैं इनको दही के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या इन्हें बिना किसी चीज़ के भी खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगेंगे ये। तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस नवरात्र में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बनाने में बहुत ईजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।